नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में सब लोगों को हार्दिक स्वागत। पिछले कक्षा में हमने राजा का दरवाजा नामक कहानी के पहला भाग का परिचय किया है। सुबीर शुक्ला द्वारा लिखित राजा का दरवाजा नामक कहानी में एक राजा था। वह अपने महल में एक विशेष दरवाजा बनवाना चाहता है जिससे सिर्फ वही घुस पाए, कोई और नहीं। पहले उसने अपने ही रूप देखने पर खुलने वाला दरवाजा बनवाया। फिर उसने सबको बुलाकर कहा, कोई इस दरवाजे से अंदर घुस सकता है? एक आदमी राजा की तस्वीर लेकर आया। तस्वीर में राजा का रूप देखकर दरवाजा खुल गया। कुपित होकर राजा ने अपनी आवाज से खुलने वाला दरवाजा बनवाने के लिए मंत्री से कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, मंत्री ने ऐसा दरवाजा बनवाया। राजा ने फिर सबको बुलाकर पूछा, हे कोई जो घुस सकता है इस दरवाजे से? वही आदमी आया। उसने राजा को बहुत ठंडा पानी पिलाया। फिर कहा, अगर मैं इस दरवाजे से नहीं घुस सकता तो राजा भी नहीं घुस सकता है। ठंडे पानी से राजा का गला खराब हो गया, उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। राजा भी दरवाजे से अंदर नहीं जा पाया। वह गुस्से से कूदता रह गया। फिर राजा ने ऐसा दरवाजा बनवाया जो सिर्फ उसके जूतों की आहट से ही खुले। लेकिन उस आदमी ने ज़मीन पर कालीन बिछा दिया जिससे जूतों की आहट ही नहीं हुई। राजा ने मंत्री से कहा, मुझे एक ऐसा दरवाज़ा बना कर दो जो सिर्फ मेरे ही शरीर की गंध से खुले। लेकिन इस बार फिर वही आदमी आया और राजा के पहने हुए कुछ कपड़े हाथ में उठाकर दरवाजे के पास ले गया तो दरवाज़ा खुल गया। फिर आगे क्या हुआ? उन दोनों का मुकाबला न जाने कब तक चलता रहा। मुझे तो यहीं तक की घटनाओं का पता है, आगे के बारे में तो अब तुम्हें ही सोचकर बताना होगा। तो बताओ फिर आगे क्या हुआ होगा? तो बच्चों, सुबीर शुक्ला द्वारा लिखित राजा का दरवाजा नामक कहानी के पहले भाग में हमने चर्चा किया है कि एक राजा था। वह अपने महल में एक विशेष दरवाजा बनवाना चाहता है जिससे सिर्फ वही घुस पाए, कोई और नहीं। पहले उसने अपने ही रूप देखने पर खुलने वाला दरवाजा बनवाया। फिर उसने सबको बुलाकर कहा, कोई इस दरवाजे से अंदर घुस सकता है? एक आदमी राजा की तस्वीर लेकर आया। तस्वीर में राजा का रूप देखकर दरवाजा खुल गया। कुपित होकर राजा ने अपनी आवाज से खुलने वाला दरवाजा बनवाया। लेकिन उस आदमी ने राजा को ठंडा पानी पिलाया, इसलिए गला खराब हो गया और उसकी आवाज़ नहीं निकली। फिर राजा ने जूते की आहट से खुलने वाला दरवाजा बनवाया। लेकिन उस आदमी ने ज़मीन पर कालीन बिछा दिया, इसलिए जूतों की आहट ही नहीं हुई। अंत में राजा ने अपने शरीर की गंध से खुलने वाला दरवाजा बनवाए। लेकिन वह आदमी राजा के कुछ पहने हुए कपड़े हाथ में उठाकर दरवाजे के पास ले गया, तब दरवाज़ा खुल गया। हर एक बार उस आदमी ने राजा को पराजित किया। उन दोनों राजा और वह आदमी का मुकाबला उसी तरह चलता रहा। सो स्टूडेंट्स, वंस देयर लिव्ड ए किंग। वन डे ही डिसाइडेड टू बिल्ड ए स्पेशल डोर इन हिज पैलेस। First, a door was made that opens only when the image of the king was seen. When the door was fixed, the king called everyone and asked if anyone could open the door and get inside. At that time, someone came with a picture of the king. As soon as the picture was seen, the door opened. The angry king made different doors which opened by hearing his voice, footsteps, and also by his order. But all his attempts were in vain. The rivalry between the king and his opponent continued. तो बच्चों, राजा का दरवाजा नामक कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।